महर्षि के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि एक बार जब प्रतासुर नाम के असुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवराज इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन लिया था, तब स्वर्ग से रहित होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से यह कहा था कि तुम सभी पृथ्वी पर तप कर रहे महर्षि दधीची के पास जाकर उनसे विनती करो कि वह अपने शरीर की अस्थियां तुम्हें दे दे। फिर महर्षि दधीची की अस्थियों से तुम जो अस्त्र बनाओगे, उस अस्त्र से ही तुम वृत्रासुर का अंत कर पाओगे। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी देवता महर्षि दधीची के पास आए थे और उनसे विनती करके उनके शरीर की अस्थियां मांगी थी। तब देवताओं के कल्याण के लिए महर्षि दधीच ने अपने तपोबल से अपना शरीर त्याग दिया था और विश्वकर्मा जी ने महर्षि दधीच की हड्डियों से देवराज इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। तब उसी वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक असुर का अंत किया था। महर्षि दधीच को शुद्ध ब्रह्म विद्या का ज्ञान था। इस कारण एक बार दोनों अश्विनी कुमार महर्षि दधीच के पास आए थे और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की थी, जिससे कि वह जीवन मुक्त हो जाएं। परंतु उस समय महर्षि दधीच ने उन दोनों अश्विनी कुमारों से यह कहा था कि अभी मैं एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए फिर कभी आना। दोनों अश्विनी कुमार महर्षि दधीच की कार्य में व्यस्तता देख उस समय वहां से चले गए थे। जब यह बात देवराज इंद्र को पता चली कि दोनों अश्विनी कुमार महर्षि दधीचि के पास ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने गए थे, तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया था। तब देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि के पास जाकर यह कहा था कि अश्विनी कुमार वैद्य हैं, इसलिए तुम उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश मत देना। यदि तुम मेरी बात ना मानकर उन्हें उपदेश दोगे तो मैं तुम्हारा सर काट डालूंगा। ऐसा कहकर देवराज इंद्र वापस अपने स्वर्ग लोक को चले गए थे। कुछ समय बाद दोनों अश्विनी कुमार फिर महर्षि दधीच के पास आए थे और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश देने की विनती की थी। तब महर्षि दधीच ने उन दोनों अश्विनी कुमारों को देवराज इंद्र की कही सारी बात बता दी थी। देवराज इंद्र की बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीच से यह कहा था कि हम पहले ही आपका यह सर काट कर उसकी जगह घोड़े का सर जोड़ देंगे। आप हमें अपने घोड़े के सर से ही उपदेश दीजिएगा और जब देवराज इंद्र आपका घोड़े का सर काट देंगे, तब हम फिर आपका असली सर जोड़ देंगे। महर्षि दधीच ने उन दोनों अश्विनी कुमारों की बात मान ली थी। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीच का सर काट कर उसके स्थान पर घोड़े का सर लगा दिया था और महर्षि दधीच ने उस घोड़े यानी अश्व के सर से ही उन दोनों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। अश्व के सर से ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण ही महर्षि दधीच का नाम अश्वशिरा भी पड़ गया था। उसके बाद जब देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर महर्षि दधीच का वह अश्व सर काट दिया था, तब दोनों अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीच का असली सर उनके धड़ पर लगा दिया था।